hello everyone good morning this is mahesh shah from surat welcome to my youtube channel this video is for standard 10 subject social science chapter number 10 uh, 12 india minerals and energy resources so friends in last video we discussed about different kind of uh, minerals in that we talk about limestone lead mica oxide, copper, manganese, iron ore, all that and with that we talk about uh, classification of the mineral that you studied from last fi uh, from fi fifth standard. In this video we have to complete this chapter and here mainly we are going to talk about the energy uh, minerals, minerals of energy resources. So, classification of energy resource, uh, energy resource can be classified in different ways such as conventional and non-conventional energy resource. So, what is the conventional and non-conventional that you also studied from your lower standard? Uh, another, the, another, the, another way to the classify the energy resources is commercial and non-commercial energy resources. So non-conventional means uh, which is in abundant quantity and conventional means uh, it has it have a limit, limited resource. Commercial means uh, use to generate the money and non-commercial means there is no money purpose including that. कॉल मिनरल ऑयल नेचुरल गैस एंड एटॉमिक मिनरल्स आर कंसिडर्ड एज कन्वेंसनल और कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स क्योंकि ये जो मिनरल्स है उसको उसको हम कॉमर्शियली यूज़ करते हैं जैसे कॉल है मिनरल ऑयल है एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल गैस है फ्यूल के जैसे यूज़ करते हैं एटोमिक मिनरल्स है एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं तो दिस इज़ कॉल्ड कन्वेंसनल और कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स अब कन्वेंसनल और कॉमर्शियल दोनों पैराल चल रहा है तो इसका सीधा मीनिंग ये होता है कि यहाँ ये लिमिटेड भी है और इसका जो कंजप्शन है वो कॉमर्शियल पर्पस के लिए हो रहा है डीज आर आल्सो नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स नॉन रिन्यूएबल यानी एक बार इस इसको हमने यूज़ करके उसकी क्वान्टिटी को ख़त्म कर दिया दैन वी आर नॉट हैविंग एनी अदर ऑप्शन

सनरेज़ है वो तक आती रहेगी बायोगैस है तो वो भी हम यूज़ कर सकते हैं जियोथर्मल यानी ज़मीन के नीचे से जो लावा के थ्रू जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो और टाइडल एनर्जी जो हाई टाइड और लो टाइड के ड्यूरेशन हमें मिलती है तो ये सब हमें यहाँ पे डिस्कस करना है पीट देर आर ऑल्सो रीन्यूएबल रिसोर्सेज ये रीन्यूएबल भी है क्योंकि ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं है पीट कॉल फायरवुड डग एक्सेट्रा नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्स क्योंकि ये जो होते हैं वो हाउस होल्ड एक्टिविटी में यूज़ होते हैं जैसे कोई रिमोट एरिया होता है रूरल एरिया आप जिसको बोलते हैं वहाँ पे जहाँ पे गैस फैसिलिटीज़ नहीं है या तो डेवलपमेंट नहीं हुआ है वहाँ पे आज के डेट में भी पीट कॉल जो है फायरवुड है कैटल डग है उसको ही वो लोग फ्यूल के जैसा यूज़ करते हैं इसलिए ये नॉन कॉमर्शियल है अब उसमें सबसे पहले आता है कॉल तो मैन हैज़ बीन यूजिंग कॉल एज एन एनर्जी रिसोर्स सिंस एंशियन टाइम्स तो जब स्टार्टिंग में ये सब डेवलपमेंट हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन uh, हुआ अलग अलग मशीन्स uh, बनने लगे तो वो टाइम पे सबसे पहले हमने यूज़ किया था कॉल कॉल के थ्रू हम लोग uh, जो भी डेवलपमेंट हमने स्टार्ट किया था वो कॉल के थ्रू हमने किया था ठीक है क्वेश्चन में अराइज इन आवर माइंड एज हाव द कॉल वॉज फॉर्मड इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ अब हमारे मन में क्वेश्चन आता है कि ये जो कॉल है वो किस तरह से अर्थ के अंदर फॉर्म हुआ इन अर्लियर टाइम्स वेजिटेशन प्रिवेल्ड ओवर द अर्थ तो पहले जब इतने ह्यूमन बींग्स नहीं थे जब सिविलाइजेशन का स्टार्टिंग हुआ था तो पूरी अर्थ के ऊपर सब जगह पर फॉरेस्ट हुआ करते थे ड्यू टू टेक्टोनिक मूवमेंट्स दिस वेजिटेशन वॉज बरीड इन इंटीरियर फिर कोई अर्थक्वेक आया होगा कोई टेक्टोनिक प्लेस की मूवमेंट हुई होगी इसकी वजह से पूरे के पूरे ये जो वेजिटेशन थी वो हथ के अंदर दब गई एज अ रिजल्ट द ट्रीज कंटेनिंग कार्बन कंटेंट एंड सम एनिमल्स अंडरवेंट ग्रेजुअल कंबूशन ड्यू टू द इंटरनल हीट एंड प्रेशर तो अब ये जो ट्रीज़ है जो भी एनिमल्स है जो अंदर चले गए तो अंदर की जो हीट uh, है इंटरनल हीट ऑफ द अर्थ उसके प्रेशर की वजह से इनके अंदर केमिकल चेंज हुआ ड्यू टू दिस द वेजिटेशन वॉज ट्रांसफॉर्म्ड इन टू कॉल और इसकी वजह से ये कॉल में कन्वर्ट हो गए द पीरियड बिफोर अबाउट ट्वेंटी फाइव करोड़ करोड़ ईयर्स नॉन कार्बोनी फेरस पीरियड तो 25 करोड़ साल पहले का जो टाइम है उसको बोला गया कार्बोनिफेरस पीरियड क्योंकि ये ड्यूरेशन हथ के अंदर जो भी बरीड हुआ था उसका केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन चालू हो गया था ड्यू दिस टाइम ड्यूरिंग दिस टाइम द ग्रेजुअल कंबूशन ऑफ ट्रीज टूक प्लेस एंड इट लेड टू द फॉर्मेशन ऑफ कॉल फिर अंदर की हिट की वजह से उसके अंदर कम्बू कुम्भु, कम्बूशन प्रो, प्रोसेस हुआ ट्रीज़ के वुड के अंदर और वो कॉल में कन्वर्ट हो गया यानी पूरा जो जला नहीं ट्री जो लकड़ा पूरा जला नहीं वो कॉल में कन्वर्ट हो गया यूजिंग ऑफ कॉल इंक्रीज विद द इन्वेंशन ऑफ स्टीम इंजिन स्टीम इंजिन के बाद ये कॉल का यूज़ बढ़ने लगा अब यहाँ पे देखिए कि इलेक्ट्रिकल यूटिलिटी के लिए एटी एट परसेंट कॉल यूज़ होता है इंडस्ट्रीज के लिए एट परसेंट मेटल लॉजिकल कॉक थ्री परसेंट और रेसिडेंशियल या तो कॉमर्शियल यूज जो होता है वो वन परसेंट ही होता है अब यहाँ पे व्हाट इज कॉल है तो कॉल इज एन ऑर्गेनिक सेडिमेंटरी रॉक डेट फॉर्म्स फ्रॉम द एक्यूमुलेशन एंड प्रिजर्वेशन ऑफ प्लांट मटेरियल्स यूजुअली इन अ स्वाम्प एनवायरमेंट कॉल इज अ कम्बोसिटिबल रॉक एंड अलोंग विथ ऑयल एंड नेचुरल गैस इट इज़ वन ऑफ द three most important fossil fuel coal has a wide range of uses the most important use is for the generation of electricity तो so, इलेक्ट्रिकसिटी electric के लिए कॉल का मैक्सिमम यूज होने लगा स्टीम engine जब बने तो उसके लिए सबसे पहले जो रेलवे railway lines railways आप देखते हो गए पुरानी जमाने की तो वहाँ पे कॉल से चलने वाले इंजिनस होते थे Means of transportation like railway and steamer were now easy to use. With the invention of electricity, coal became an important mineral for producing thermal electricity. Some byproducts are available from coal, like coal tar, ammonia gas, uh, benzoyl, and crude oil. So, by-product byproduct. So, मैं आपको बता देता हूँ कोलतार और कोक क्या होता है तो कोक इज़ अ ब्लैक ब्राउन कलर हार्ड एंड प्रोरेस सब्सटेंस इट कंटेन्स अबाउट एटी परसेंट कार्बन इट इज़ यूज एज स्मोकलेस फ्यूल इन द प्रोडक्शन ऑफ वाटर गैस कोक इज़ अ फ्यूल विच कैन बी यूज इन होम्स एंड फैक्ट्रीज बट इट इज़ लार्जली यूज एज अ रिड्यूजिंग एजेंट इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देर ऑर्स इट इज़ आल्सो यूज इन मेकिंग फ्यूल गैसेस लाइक वाटर गैस विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनॉक्साइड एंड हाइड्रोजन ये कोल है अब कोल तार और कोल गैस के बारे में बात करते हैं कोल तार इज अ डार्क ब्लैक कलर्ड लिक्विड कोल तार विच इज़ अ मिक्सचर ऑफ डिफरेंट कार्बन कॉम्पाउंड्स कैन बी यूज टू मेक सॉप पैट्स डाइज प्लास्टिक परफ्यूम्स ड्रग्स पेस्टिसाइज एक्सप्लोजिवस एक्सेट्रा कॉल गैस ऑल्सो कॉल्ड एज अ टाउन गैस इज अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोजन मिथेन एंड कार्बन मोनॉक्साइड विच आर कंबोजिटेबल मेकिंग द कॉल गैस एंड एक्सेलेंट फ्यूल हैविंग हाई क्लोरोफिक वैल्यूज़ तो ये कॉल गैस और कॉलतार है जो कॉल की बाई प्रोडक्ट है अब कॉल को कैसे बनाया जाता है वो भी यहाँ पर है डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल तो आप इसको इस तरह से आ, बना सकते हैं यानी जो कॉल प्रोड्यूस होता है वो इस तरह से होता है ये बर्नर है आप यहाँ पे देख सकते हैं ये ये कॉल पाउडर है ये बॉइलिंग ट्यूब है यहाँ पे ये जो प्रोड्यूस हुआ वो कॉल गैस और यहाँ से मिलता है ये जो नीचे लास्ट में जमा है वो कॉल तार है और बाकी बचा वो वाटर वन हंड्रेड थाउजेंड के जी ऑफ कॉल प्रोड्यूसिस सेवन हंड्रेड के जी ऑफ कॉक हंड्रेड लीटर ऑफ लीकर एम एमोनिया फिफ्टी लीटर ऑफ कॉल तार एंड फोर हंड्रेड एम क्यूब ऑफ कॉल गैस तो एक के जी थाउजेंड के जी कॉल से आप इतना प्रोड्यूस कर सकते हो यहाँ पर भी सेम ही है ये वैन कॉल इज हिटेड विदाउट एयर इट डजन डज नॉट बर्न बट प्रोड्यूस मैनी बाई प्रोडक्ट्स तो यहाँ पे हमें सवाल ये आता है कि कॉल को जब जलाते हैं हीट करते हैं तो तो उससे फायर होता है पर विदाउट एयर जब आप उसको बंद करते हो तो उसमें से उसकी बाई प्रोडक्ट हमें मिलती है दिस प्रोसेस ऑफ हीटिंग कॉल इन द एब्सेंस ऑफ एयर इज़ कॉल्ड डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कॉल तो ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं है पर जनरल नॉलेज के लिए आपको यहाँ पे मैंने दिखाया है ठीक है अब सम बाई प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल फ्रॉम कॉल लाइक कॉलता एमोनिया गैस बेंजोइल एंड क्रूड ऑयल इट इज अवेलेबल फ्राम स्टार्टिफाइड रॉक्स ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन कॉल कैन बी डिवाइडेड इंटू फोर टाइप तो उसके अंदर कार्बन की परसेंटेज है उसके हिसाब से कॉल को चार ग्रुप में डिवाइड किया गया है फर्स्ट है पीट सेकेंड है लिग्नाइट थर्ड है बिटमिनस और आथसाइट चार अलग अलग उसके टाइप हैं अब इसको अलग से हम देखते हैं जो एक्चुअली में आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं डिटेल में है पर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि भाई पीट को पीट को कैस कॉल कैसा दिखेगा तो ऐसा पीट कंटेंट्स अबाउट ट्वेंटी एट परसेंट ऑफ कार्बन इट इज़ कॉल्ड रफ़ कॉल तो यहाँ पे आपको एनर्जी कम मिलेगी और आ, स्मोक जो है वो ज़्यादा मिलता है वैक्स एसिटॉन एसिटिक एसिड मिथेनॉल एज वेल एज साइक्लिक ऑर्गेनिक कंपाउंड आर अवेलेबल फ्राम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ पीट तो ये उसमें से मिलेगा सेकेंड हम देखते हैं ब्यूटिनस ब्यूटिनियस बिट्यूमिनस कॉल कंटेंट्स अबाउट सेवेंटी एट टू एटी सिक्स परसेंट ऑफ कार्बन इसमें कार्बन सबसे ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे एनर्जी सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस होगी इट ऑल्सो कंटेंट वॉलेंटाइल मेटर्स एंड मॉस्चर इन सम प्रपोजन इट इज़ यूज एज फ्यूल इन द प्रोडक्शन ऑफ स्टील एंड इन प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकिटी क्योंकि सेवेंटी एट से एटी सिक्स परसेंट इसके अंदर कार्बन है इसलिए ये ज़्यादा लाइटअप होता है लिगनाइट टाइप लिग्नाइट कंटेंस अबाउट ट्वेंटी एट टू थर्टी परसेंट कार्बन इट कंटेंस वॉलेंटरी मैटर एंड मॉइस्चर ऑल्सो इट इज़ यूज एज फ्यूल इन रेलवे इंजिंस थर्मल पावर स्टेशंस एंड स्मॉल एंड बिग इंडस्ट्रीज लिग्नाइट इज़ यूज टू ऑप्टेन कॉल गैस एंड कॉल तार इज ऑप्टेन एज रेसिड्यू इन विच साइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स फैनल कैरेसोल एंड अदर कंपाउंड आर प्रेजेंट और लास्ट वाला है एंथरेसाइट ये सबसे बेस्ट क्वालिटी का है एंथरेसाइट इज़ अ मेच्योर फॉर्म ऑफ मिनरल कॉल इट कंटेंट्स अबाउट नाइन्टी फोर टू नाइन्टी एट परसेंट कार्बन यानी यहाँ पर आपको स्मोक बहुत कम मिलेगा और एनर्जी सबसे ज़्यादा मिलेगी क्योंकि जो कॉल के अंदर कार्बन कंटेंट ज़्यादा होता है उसके अंदर से एनर्जी ज़्यादा प्रोड्यूस होती है

मेजर स्टेट प्रोड्यूसिंग कॉल इन इंडिया आर झारखंड उड़ीसा वेस्ट बंगाल छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश एंड जम्मू कश्मीर बिसाइड्स राजस्थान तमिलनाडु आसाम एंड गुजरात आर प्रोड्यूस कॉल कॉल फील्ड ऑफ गुजरात आर लोकेटेड इन कच्छ भरूच महसाना भावनगर सूरत लिग्नाइट कॉल इज अवेलेबल हियर जो लास्ट टू थर्ड क्वालिटी का जो लिग्नाइट कॉल है सबसे लास्ट में पीट कॉल पे लिग्नाइट फिर उस, उससे अच्छी क्वालिटी बिट्यूमिनस और सबसे बेस्ट क्वालिटी एंथ्रेसाइट तो थर्ड क्वालिटी का जो कॉल है वो गुजरात में इन जगहों से मिलता है ये आप मैप के ऊपर भी देख सकते हैं तो ये प्लेसेस आपको याद रखनी है एग्जाम में मैप वर्क में इसमें से आ सकता है अब नेक्स्ट बात करते हैं मिनरल ऑयल के बारे में तो किस तरह से ये प्रोड्यूस होता है वो यहाँ पे डेड मैटर इज़ कन्वर्ट विथ सिल्ट एंड मर्ड दिस सिल्ट एंड मर्ड इवेंचुअली कंप्रेसिस इंटू रॉक्स लिविंग द ऑर्गेनिक मटीरियल ट्रैप बिटवीन टू लेयर ऑफ रॉक इस तरह से मिनरल ऑयल जो है ये या, या देख रहे हो ये ब्लैक रीजन ये मिनरल ऑयल पोषण है तो जैसे कॉल बना वैसे ही ये मिनरल ऑयल प्रोड्यूस हुआ यहाँ पर उसकी अलग अलग टेक्निक है कि उसको किस तरह से निकाला जाता है और नेचुरल गैस में भी यही जहाँ मिनरल ऑयल ऑयल होगा वहाँ पे गैस भी होगा आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यह ऑयल है तो यहाँ पे गैस है और इस तरह से उसको निकाला जाता है ये उसके वेल है ये यह। और यहाँ से उसको निकाला जाता है ये ऑयल बैंक है यानी ये पूरा जो आप पोषण देख रहे हो ये पूरा ऑयल है It is found in the stratified rock Tata containing limestone, shell, etc. In ancient times, animals and vegetation were buried in the interior of the earth and were converted into hydrocarbons. This form was in almost liquid form. Due to tectonic movements, the layer of these forms were gradually elevated toward the surface. Some of them went towards the seafloor while some start. came up from the interior. In 1886, first oil well was dug in Assam in to find out oil. After mineral oil was obtained from Makum, Assam in 1867, more oil fields were also located in different part of India. तो so, Assam में सबसे पहले चालू हुआ 1866 में, 1867 में Assam में से oil मिला, उसके बाद India में बहुत सारी जगह पे आ, ऑयल प्रोड्यूसिंग चालू हुआ ऑयल फील्ड स्टार्ट हुई ये भी एक आप पिक्चर देख सकते हैं कि इस तरह से ऑयल को निकाला जाता है ये देखिए यहाँ पे ये और ये अब इंडिया में कहाँ कहाँ से ऑयल मिलता है वो हम देखते हैं तो द ऑयल फील्ड ऑफ इंडिया डिवाइडेड इनटू फाइव जोन ऑयल फील्ड इन नॉर्थ ईस्ट तो ये नॉर्थ ईस्ट वाला रीजन ऑयल फील्ड ऑफ गुजरात ये ऑयल फील्ड ऑफ बॉम्बे हाई यहाँ पे, ऑयल फील्ड ऑफ ईस्टर्न कोस्ट ये वाला एंड ऑयल फील्ड ऑफ राजस्थान ये ये पाँच अलग अलग जगह पे यहाँ पे ऑयल फील्ड इंडिया में है अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में कहाँ पे है आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑयल वॉज़ फर्स्ट ट्रक एट लूनेज ऑफ खेड़ा नाव इन आनंद डिस्ट्रिक तो हमें आनंद ये देखना है यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे मिला इन 1958, फिफ्टी एट आफ्टर डेट ऑयल वॉज़ फाउंड इन अंकलेश्वर तो सूरत के पास यहाँ पे अंकलेश्वर आया है ये भरूच से थोड़ा नीचे यहाँ पर uh, महसाना कलोल नवागाम कोशम्बा सानन अहमदाबाद गांधीनगर वडोदरा भरूच एंड भावनगर तो गुजरात में ये सब जगह से ऑयल मिला है इन इंडिया द रिफाइनरीज़ आर लोकेटेड इन गोवाहाटी बरूनी कोयली कोची चेन्नई मथुरा कोलकाता एंड हल्दिया द लार्जेस्ट ऑयल रिफाइनरी ऑफ द वर्ल्ड इज़ लोकेटेड इन जामनगर इन गुजरात सबसे ज़्यादा यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे ओशन है और उसके पास से हमें यहाँ दो जगह से अच्छी खासी ऑयल की क्वांटिटी मिली है अब आ, कौन सी कौन सी कंपनीज़ है इसमें वो भी एक है जो टेक्स्ट बुक में नहीं है आई जिसके जिसकी रिफाइनरी की प्लेसेस है यहाँ पे आप देख सकते हैं बी ये सब गवर्नमेंट की है एच हिंदुस्तान पेट्रोलियम केमिकल लिमिटेड सी पी सी एल एम आर पी एल एन आर एल बी ओ आर एल आर आई एल रिलायंस एस आर ये सब जो है वो ऑयल मिनरल ऑयल प्रोड्यूस करते हैं अब मिनरल ऑयल में से हमें जब क्रूड ऑयल को हीट किया जाता है तो हमें क्या मिलता है वो भी मैंने यहाँ पे एक रखा है कि उसको अगर थ्री हंड्रेड फिफ्टी डिग्री के ऊपर आप हीट करोगे तो डीजल फ्यूल ऑयल मिलेगा डीजल मिलेगा कैरोसिन मिलेगा नैप्ता मिलेगा पेट्रोल मिलेगा और बॉटल गैस मिलेगा ये सब यहाँ पर क्रूड ऑयल को जब आप हीट करते हो तो ये उसकी बाई प्रोडक्ट है उसको कौन से टेम्परेचर पे आप हीट करोगे तो वो भी है यहाँ पे कि अगर आपने 400 डिग्री से चालू किया तो 370 डिग्री पे आपको फ्यूल मिलेगा या तो 20 डिग्री से अगर आप चालू करोगे तो 150 डिग्री पे आपको पेट्रोल मिलेगा 200 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन मिलेगा 300 डिग्री सेल्सियस पे डीजल मिलेगा और 370 डिग्री के ऊपर आपको फ्यूल ऑयल मिलेगा तो ये क्रूड ऑयल की ब, बाई प्रोडक्ट है तो ये भी आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है जो यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज के लिए मैंने आपके लिए यहाँ पे रखा है अब हम बात करते हैं नेचुरल गैस के बारे में तो नेचुरल गैस भी ऑयल के साथ में क्रूड ऑयल के साथ में ही मिलता है अब नेचुरल गैस के भी दो टाइप हैं तीन टाइप है टाइट गैस है सेल गैस है कन्वेंशनल नेचुरल गैस है जो गुजरात में तो काफ़ी क्वांटिटी में मिला है हम पाइप गैस के थ्रू हमारे घर पे ये चलता ही है तो ये सब उसके तरीके है कि किस तरह से उसको निकाला जाता है नेचुरल गैस इज एसोसिएटेड विथ मिनरल ऑयल इट इज सेपरेटेड फ्रॉम इट इट इज चीपर एंड कंसिडर टू बी अ नॉन पॉल्यूटन सोर्स ऑफ एनर्जी इसलिए ज़्यादातर जो वहीकल हैं वो गैसेस uh, से चलते हैं ना uh, गुजरात में खास करके बहुत सारे व्हीकल सी जो हम यूज़ करते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जिसको बोलते हैं तो ये नॉन पॉल्यूटेड गैस है इसलिए और चीपर भी है पेट्रोल से तो काफ़ी बीस रुपया तीस रुपया सस्ता है तो ये इजी हो जाता है इट इज़ चीपर एंड कंसीडर्ड टू बी अ नॉन पॉल्यूटन सोर्स ऑफ एनर्जी द रिजर्व्स ऑफ नेचुरल गैस इन अवर कंट्री आर फाउंड इन खम्भा बेसिन कावेरी बेसिन तो खम्बात बेसिन और कावेरी बेसिन यहाँ पे हम देख लेते हैं इस जगह पे आ, अवेलेबल है खम्बात की अगर हम बात करें तो वो गुजरात में कावेरी यानी साउथ इंडिया में uh, अंकलेश्वर ऑफ गुजरात uh, जैसलमेर इन राजस्थान कंसिडर टू हैव द लार्जेस्ट नेचुरल गैस रिज़र्व्स तो यहाँ पे बहुत सारा क्वांटिटी में रिजर्व गैस नेचुरल गैस भरा पड़ा है तो ये है हमारे एनर्जी प्रोड्यूस रिसोर्सिस यहाँ पे भी एक है कि कैसे सेल्फ एकंग लीडिंग द वे किस तरह से सेल गैस अवेलेबल है तो ये देखिए इतना अमाउंट जो है वो सेल गैस का है ये है टाइट गैस फिर ब्लू है नॉन एसोसिएटेड ऑफ सोअर गैस ये फिर अलास्का में सॉरी कॉल बेड मिथेन ये फिर एसोसिएटेड विथ ऑयल ऑयल के साथ जो मिक्स होता है वो ये और नॉन एसोसिएटेड ऑफ गैस ये और ये अलास्का में इस तरह से अवेलेबल है अब हमें बात करनी है नॉन यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि कहाँ कहाँ से नेचुरल गैस प्रोड्यूस हो रहा है ये पूरा रीजन और यहाँ पे कुछ रीजन और यहाँ कृष्णा गोदावरी बेसिन ये ग्रीन जो है वो ऑयल फील्ड है ये ट्रायंगल रेड है वो गैस फील्ड है और प्रूवन बेसिन यहाँ पे जो है वो कौन सी जगह पे है वो दिखाया गया है तो इसको आपको मैप पर के लिए याद रखना है अब नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्स तो वो क्या है तो ये देखिए सोलर एनर्जी विंड एनर्जी टाइडल एनर्जी जियोथर्मल एनर्जी बायो गैस एनर्जी तो ये सब नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है रिसोर्स लाइक कॉल और मिनरल ऑयल आर अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी क्योंकि इतनी बड़ी अर्थ है एट हंड्रेड करोड़ के आजू बाजू लोग रह रहे हैं तो अब सब लोग यूज़ करेंगे तो इसकी क्वांटिटी जो है वो एक लिमिट है उसकी एक दिन ऐसा आएगा कि ये खत्म हो जाएगा फिर एटम्स हैव स्टार्टेड टू कंजर्व दैम फॉर अ लॉन्गर टाइम विन एनर्जी सोलर एनर्जी बायोगैस टाइडल एनर्जी एंड जियो थर्मल एनर्जी एनर्जी आर इंक्लूडेड एज अल्टरनेट रिसोर्स तो ये जो है वो इसके अल्टरनेट रिसोर्स है दीज आर ऑल रीन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सिस यानी आप इसको कितना भी यूज़ करो ये कभी ख़त्म होने वाले नहीं हैं। सम आइडेंटिफाई डैम एज इनएक्जस्टेबल रिसोर्सिस यानी अनेबल टू यूज इस तरह से भी उसको काउंट किया जाता है पर आज के डेट में टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है कि सोलर पैनल तो अब हर एक के घर पे देखने को मिल रही है गवर्नमेंट भी उसमें सब्सिडी दे रही है मैनी कंट्रीज इन द वर्ल्ड हैव टेकन स्टेप्स इन दिस डशन यू एस रशिया फ्रांस कैनेडा ऑस्ट्रेलिया नैदरलैंड एंड जापान आर एडवांसिंग इन द फील्ड इन दिस फील्ड इफेक्टिवली इन नाइनटीन एटी वन कॉमन फॉर एडिशनल सोर्स ऑफ एनर्जी सी ए एस ई ये रहा सी ए एस ई वॉज एस्टेब्लिश इन इंडिया गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी जेडा इज़ वर्किंग इन दिस डिरेक्शन तो सबसे पहले हम सोलार एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं यह है सोलार एनर्जी और यह है जेडा गुजरात एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ऐसी सोलार पैनल्स होती है इसके थ्रू ये आप प्रोजेक्ट वर्क में भी आप स्कूल में यूज़ कर सकते हैं कि किस तरह से ये इलेक्ट्रिकसिटी को प्रोटेक्ट करता है इसको जनरेट करता है और हम उसको यूज़ कर सकते हैं अगर आपने सोलर पैनल लगा लिया आपके घर पे, तो फिर इलेक्ट्रिकसिटी का बिल आपके घर पे नहीं आएगा इस तरह से ये पूरा प्रोड्यूस होता है देखिए गुजरात में जो है भुज में है बड़ा सा प्लांट Sun is considered to be the main source of energy on the earth. It is visible during most of the day of the year. The biosphere on the earth throbs due to solar energy. India has progressed well due to solar energy technology. Solar cooker is used for cooking, solar heater for heating the water, and solar panels are used to generate electricity. Gujarat state gets maximum solar energy in India. JEDA, Gujarat Energy Development Agency. हेज़ एस्टाब्लिश ए सोलार कोल्ड स्टोरेज नियर छानी वड़ोदरा तो ये कोल्ड स्टोरेज है सोलर पैनल आप यहाँ पे देख सकते हैं ये पूरी सोलर रूफ है और ये पूरा कोल्ड स्टोरेज यानी कोई भी फूड आइटम को यहाँ पे प्रिजर्व कर सकते हैं टेन टन्स का है ये टुडे सोलर पैनल्स आर फिक्स टू प्रोवाइड स्ट्रीट लाइट्स इन दोज विलेजेस विदाउट इलेक्ट्रिसिटी फॉर इरिगेशन टू द फार्म एंड फॉर टेलीविजन अ सोलर एनर्जी प्लांट हैज़ बीन इंस्टॉल्ड एट मोढ़ापुर नियर भूज इन गुजरात फॉर डिसेलिनेशन ऑफ सेलिन ओशन वाटर तो जो ओशनिक वाटर है जो सेलिन है उसको प्योर करने के लिए भी सोलर एनर्जी यूज़ की जा रही है use of equipments working on solar energy is on increase in the country today तो भूज के अंदर इतना बड़ा ऐसा सोलर प्लांट बनाना है बना रहे हैं ये देखिए ये उसकी पिक्चर है और ये देखिए यहाँ पे ये जो कैनल है यहाँ पे ये ओशन का सोल सेलिन वाटर आता है और उसको सोलर एनर्जी के थ्रू प्यूरीफाई किया जाता है तो कितना एडवांटेज है इससे कितने प्रॉब्लम सोल्व हो जाएंगे एक पॉल्यूशन का प्रॉब्लम सोल्व सेकंड वाटर का प्रॉब्लम सोल्व अकॉर्डिंग टू दिस काइंड ऑफ आइडिया यू कैन क्रिएट योर ओन आइडिया ऑल्सो आप भी ऐसा कोई आइडिया जनरेट करके गवर्नमेंट को आप अपना प्रपोजल और प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं एंड यू बिकम अ फेमस इन अ शॉर्ट टाइम इफ़ योर आइडिया इज़ वर्किंग सो दिस इज़ अ इम्पोर्टेंट ऑफ स्टडी अबाउट एसेस नेक्स्ट जो है वो विन एनर्जी है तो विन एनर्जी में ऐसे विन ब्लेड्स होते हैं किस तरह से ये वर्क होता है ये यहाँ पे पूरा मैंने आपको दिखा दिया है आ, रोटर ब्लेड गियर बॉक्स नस्ल विंड जिस डिरेक्शन में आएगी जनरेटर होता है पावर केबल होता है टावर आ, स्विच ट्रांसफॉर्मर और इस तरह से ये बाय विंड इसको प्रोड्यूस किया जाता है The sun provides thermal energy of the surface of the earth. Winds are formed due to the high and low pressure pockets formed in the atmosphere. In our country, wind energy is obtained through the windmills at the sea coast and in open space. So, we have a 7,000 kilometer long coastline. India has become fifth country in the world to produce energy through winds. Gujarat, Tamil Nadu, Maharashtra, ye sab places other places. कितनी प्रोड्यूस होती है एनर्जी वो भी है राजस्थान में 400 हंड्रेड मेगा गुजरात में 975 हंड्रेड सेवेंटी फाइव महाराष्ट्र में थ्री थाउजेंड सिक्स हंड्रेड फिफ्टी कर्नाटक में सिक्स थाउजेंड सिक्स हंड्रेड ट्वेंटी आंध्र प्रदेश में एट थाउजेंड टू हंड्रेड सेवेंटी फाइव तो ये हम विंड से हम प्रोड्यूस कर रहे हैं इतनी एनर्जी अब यहाँ पर विंड मैप भी है कि किस तरह से हमारे पास विंड को हम यूज़ कर सकते हैं गुजरात तमिलनाडु महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश ओडिशा कर्नाटक मध्य प्रदेश एंड केरला स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूस विंड एनर्जी इन गुजरात विंड फार्म्स आर ऑपरेटेड इन लाभा विलेज नियर जामनगर एंड एट द सी कोस्ट नियर मांडवी इन कच्छ इलेक्ट्रिकसिटी इज जनरेटेड एज द विंड मिल्स फाउंडेड इन देवभूमि द्वारका जामनगर कच्छ राजकोट पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट तो जहाँ पे एनर्जी इलेक्ट्रिक का प्रॉब्लम हो रहा है वहाँ पे ऐसे विंड मिल के थ्रू एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं तो यह है विन एनर्जी उसके बाद है जियो एनर्जी तो जो ज़मीन के अंदर जो हीट है उसको एनर्जी इलेक्ट्रिकसिटी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं उसको जियो बोलते हैं द राइजिंग हॉट वाटर एंड स्टीम इज़ ट्रैप्ड इन परमेबल एंड पोरस रॉक्स टू फॉर्म जियोथर्मल रिजर्वियर रिजर्वियर कैन बी डिस्कवर्ड बाय टेस्टिंग द सॉइल एनालाइजिंग अंडरग्राउंड टेम्परेचर तो यहाँ पे देखिए हॉट वाटर जो पानी ऊपर होता है वो गर्म हो जाता है और इससे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं ये इस तरह से ये ड्राई स्ट्रीम पावर प्लांट है कि किस तरह से ये एनर्जी uh, को प्रोड्यूस करता है द थर्मल एनर्जी फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ कम्स टू द सर्फेस ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ग्शियर और हॉट स्प्रिंग

By using this energy, the geothermal energy is obtained. Hot water spring in Gujarat are located at lasundara Unai, tuwa and at Tulsi Shya. There are possibility possibilities of getting geothermal energy from them तो यहाँ पे ये field अभी open है. यहाँ पे अगर आपके पास नया idea या concept हो, या आप इसके ऊपर project बनाओ और वो success हो गया तो हमको पूरे इंडिया को बहुत benefit हो सकता है. नेक्स्ट है टाइडल एनर्जी तो इस तरह से टाइडल एनर्जी को प्रोड्यूस किया जाता है देखिए यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं इस तरह से जैसे विंड मिल होती है वैसे ही ये पानी के अंदर रोटेट होता है और इससे एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये देखिए पूरा टाइडल एनर्जी ओवरव्यू तो हमारे पास तो 7000 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है तो हम कितनी टाइडल एनर्जी और विन एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं द प्रोसेस ऑफ द टाइड्स एंड एब्स कंटिन्यूस कॉन्स्टेंटली इन ऑल ओशंस ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सट्रेट बाय द सन एंड द मून मैन यूटिलाइज द पावर ऑफ वाटर इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिकसिटी टाइडल वाटर हैव मोर पावर अ टर्बाइन इज़ कनेक्टेड विथ

as india has a long coastline it has the potential to generate such energy 7000 se upar hamare paas uh, long coastline hai to hamare paas ye advantage hai this project has been started in the gulf of kutch and gulf of Khambhat. तो ये हमारे दोनों Gulf हैं Kutch है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये और ये Khambhat. तो ये project India में यहाँ पे अभी चालू हुआ है तो इसके पीछे भी आप थोड़ा सा हार्ड वर्क करके नए आइडियाज जनरेट कर सकते हैं अब इसको बच्चा ना क्यों है मिनरल प्रिजर्वेशन मिनरल आर नेसेसरी फॉर द एग्जिस्टेंस एंड द डेवलपमेंट ऑफ द ह्यूमन बींग्स मैन हिमसेल्फ हैज़ टू थिंक अबाउट सर्टेन पॉइंट्स अबाउट दिस मैन हैज़ टू थिंक अबाउट सम एस्पेक्ट फ्रॉम द प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल वॉट इज प्रिजर्वेशन द एफिशियट एंड वेल प्लान यूज ऑफ मिनरल इज प्रिजर्वेशन ऑफ मिनरल्स टूडे एवरी नेशन

नॉन रिस्ट्रिक्टेड वे में यानी जिसको जिस तरह यूज़ करना है उस तरह वो यूज़ कर सकता है अब यहाँ पे कंट्रोल लाना उसको प्रिजर्वेशन बोलेंगे अब रेमेडीज़ क्या है तो यहाँ पे उसकी रेमेडीज़ है कि किसको कैसे इसको बचाया जाए यूज़ ऑफ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इफ अ प्रॉपर टेक्नोलॉजी इज़ यूज टू ऑपटेन द मिनरल द वेस्टेज ऑफ मिनरल कैन बी रिड्यूस वेस्टेज कम कीजिए रिसाइकिलिंग द स्क्रैप ऑफ मिनरल लाइक आयरन कॉपर एल्यूमिनियम एंड तीन शुड बी रीयूज तो जो कचरा निकला है स्क्रैप्स जो है री यूज़ कर सकते हैं अल्टरनेट यूज ऑफ मिनरल तो जैसे ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है अल्टरनेट ऑप्शन शुड बी फाउंड आउट फ्र दोज मिनरल्स विच आर फाउंड इन लेस क्वान्टिटी फॉर एग्जाम्पल सोलर एनर्जी इंस्टेड ऑफ़ इलेक्ट्रिसिटी एल्यूमिनियम इंस्टेड ऑफ कॉपर सी एन जी इंस्टेड ऑफ पेट्रोल एक्सेट्रा नॉन कन्वेंशनल का यूज बढ़ाओ यूज ऑफ नॉन कन्वेंशनल मीनस द नॉन कन्वेंसनल सोर्सेस लाइक वाटर सोलर वीन बायोगैस एक्सेट्रा शुड बी यूज इंक्रीजिंगली हमारे यहाँ तो गवर्नमेंट काफ़ी हेल्प करती है सोलर पैनल लगाने में सब्सिडी आपको मिलती है आप उसके ऊपर नेट के ऊपर सर्च भी कर सकते हैं वन टाइम इन्वेस्टमेंट है एक बार आपने इन्वेस्ट कर दिया फिर काफ़ी सालों तक आपका ये इलेक्ट्रिकसिटी का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है सस्टेनेबल सस्टेनेबिलिटी अब ये जो है वो खास पॉइंट है ये चैप्टर का ये डेफिनेटली टू मार्क में आएगा वॉट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट मेंटेन द प्योरिटी ऑफ द एनवायरमेंट एंड गिव द क्लीन एनवायरमेंट टू द फ्यूचर जनरेशन यानी एनवायरमेंट की प्योरिटी बना के रखनी है और क्लीन एनवायरमेंट हमें नेक्स्ट जनरेशन को देना है अटेम्प्ट शुड बी मेड फॉर पॉल्यूशन फ्री एनवायरमेंट दैट इज कॉल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट आफ्टर द रिजर्व ऑफ द मिनरल इज कैल्कुलेटेड इट कैन बी यूज फॉर अ लॉन्ग पीरियड बाई प्लानिंग इट प्रॉपरली तो अब जब आज की डेट में हम सब मेज़र कर सकते हैं तो हमने पता है कि आज के सरफेस के अंदर कितनी क्वांटिटी है मिनरल की अगर हम इसका प्लान करें प्रॉपर कि किस तरह से उसको यूज़ करना है तो हम उसको लॉन्ग टर्म यूज़ कर सकते हैं इट इज़ नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड इनहैंस द मिनरल्स क्योंकि एक बार ये अगर मिनरल्स ख़त्म हो गए तो फिर ये दूसरी बार मिलने वाले नहीं है तो यहाँ पे ये चैप्टर ख़त्म होता है काफ़ी बातें हमें सीखने को मिली है यहाँ पे ये एक्सरसाइज है क्वेश्चन आंसर आपको सॉल्व करने हैं अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे टेक्स करके अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं तो यहाँ तक रखते हैं आज के वीडियो में नेक्स्ट वीडियो में हम इंडस्ट्रीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे तो जोग्राफी के सेक्शन में अभी आपके दो चैप्टर बाकी है थर्टीन एंड फोर्टीन जो है ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर है और थर्टीन है वो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ है उसके बाद हम इकोनॉमिक सेक्शंस चालू करेंगे जिसका फिफ्टीन और सिक्सटीन ऑलरेडी मैंने चैप्टर्स के वीडियो अपलोड कर दिए हैं जिन्होंने नहीं देखे वो देख लीजिएगा और बाकी के जो चार चैप्टर है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है आपको इकोनॉमी में इंटरेस्ट आ जाएगा और बहुत ही नया कुछ सीखने को मिलने वाला है ठीक है तो दोज हु आर नॉट सब्सक्राइब द चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल लाइक द वीडियो शेयर द वीडियो एंड प्रेस द बेल आइकन तो नया वीडियो जब अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा टिल देन स्टे होम स्टे सेफ गॉड ब्लेस यू थैंक यू वेरी मच